बहारों फूल बरसाओं मेरा महबूब आया है। यह जो गीत है, गीत के ये जो बोल है, गीत के जो मुखड़े हैं, वो कुछ आप पर भी ये लागू होते हैं। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वह एक प्रकार से आपका महबूब ही है, यानी कि मैं यूपी ट्रिपल एससी से जो आपके प्राथमिक टेस्ट की बात की जा रही है उसकी मैं बात कर रहा हूं। आप समझ गए होंगे, यानी हम पेट की बात करने चल रहे हैं। पेट पेट भरने के लिए है, और जब तक इसको सुचारू रूप से किया नहीं जाएगा तब तक जो है यह आपका नहीं होगा। मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का टारगेट विद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये पीछे आप जो मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, यहां पर हम लोग इसके निमित्त जो एक बड़ी वैकेंसी के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है और उसी को लेकर के आपके जो हमारा ये ऑनलाइन शूट है वह आया है। चूंकि आप लोगों की मांग रहती है, आप लोगों के द्वारा बार बार ये संस्थान को फोन किया जाता है कि कब बैच स्टार्ट होगा, इसी के लिए हम लोगों ने आपकी सुविधा को देखते हुए आपके लिए हम लोगों ने निर्माण बैच की घोषणा की है। निर्माण बैच निर्माण करेगा, जैसा कि आप जानते ही हैं निर्माण। तो हम लोगों ने यानी पूरा संस्थान यह बैच को आयोजित किया और आपके समक्ष प्रस्तुत किया। हम अपने हर एक शिक्षक अपने अपने सेगमेंट को लेकर के यहां आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। प्रस्तुतिकरण इसलिए हो रहा है, इसलिए नहीं कि हम बताएं, आप जानते हैं संस्था को, जानते हैं हम लोगों को, जानते हैं उसमें किसी प्रकार की किसी शिक्षक या किसी के द्वारा कोई कमी नहीं होती है। मेहनत दिन रात एक करके किया जाता है आपके बेहतर भविष्य के लिए। तो हम लोग इस पेट की प्रक्रिया में आने के लिए यानी हमारे साथ जुड़ने के लिए जो एक सामान्य इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को आपको मैं देता हूं। वह इंफॉर्मेशन है कि अगर जो है आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पर एंट्री पेट 2021 लिख करके भेज दीजिएगा और हमारी संस्था की जो टीम है वह टीम आपसे संपर्क करेगी और पूरा इसका विवरण आपको व्हाट्सएप पर चला जाएगा। बाय द वे, अगर किसी कारणवश आपको अन्य कोई समस्या आ रही है या जानकारी आपको नहीं मिल रही है तो आप मुझे इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी जो है जो स्क्रॉल पर नंबर चल रहे हैं इन नंबरों पर आप कॉल करेंगे। कॉल करके अपनी जो भी समस्या है उस समस्या को क्या करेंगे, पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हमारी जो एक जो टेक्निकल टीम में जो भी एक्सपर्ट काउंसलर हैं आपको काउंसलिंग करने के लिए, आपको बताने के लिए, वह एक एक बारीकियों को इससे
अवगत कराएंगे। तो आप या तो इस पर आप एंट्री लिखकर भेजेंगे तो पूरा प्रोसेस जाएगा, और नहीं तो आप नंबर पर जो स्क्रॉल में नीचे चल रहे हैं नंबर पर, इस पर आप बात कर लेंगे। देखिए हम लोगों की जो रणनीति है वह रणनीति है, हालांकि इस पर चर्चा हो चुका है कि 6 आवर्स यानी 6 घंटे की प्रतिदिन की लाइव कक्षाएं रहेंगी। इस पर रवि सर ने बड़ा बकायदे डिटेल से उन्होंने पूरा का पूरा एक वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। पुनः इसको कोई रिपीटेशन की कोई आवश्यकता नहीं है कि इसको रिपीट किया जाए। इतनी सारी विशेषताओं के अतिरिक्त हम लोग आपसे ये बात करेंगे कि यह निर्मित कैसे, आपका निर्माण कैसे होगा, आप कैसे सिलेक्शन पाएंगे। देखिए संस्थाएं शिक्षक महती भूमिका एक निभाते हैं। जितनी अच्छी संस्था जितने अच्छे शिक्षक उतना ही गुणवत्ता और उतना ही सटीक और सही निर्देशन, ये और संस्थाओं का चुनाव करना ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप जो है इस बैच की खासियत और हम लोगों से रूबरू होते हुए चले आए, इस बैच की खासियत के बारे में जो रवि सर ने बताया इसके पहले की वीडियो में, तो उसको आप देखें। और दूसरी चीज हम लोगों का समर्पण देखिए आपके प्रति, कभी भी किसी भी टॉपिक पर लापरवाही नहीं, संस्था एकदम आपके साथ कदम से कदम मिला करके वह चली है, चाहे वो लॉकडाउन की पीरियड हो और चाहे वो अनलॉक के पीरियड हो। आइए हम अपनी हिंदी के सिलेबस के बारे में आपसे कुछ मैं चर्चा कर लेता हूं। सबका एक महती योगदान है, उस योगदान को हम देखते हैं, यानी हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, मेरे सब्जेक्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है, उस पर हम बात करते हैं। तो हम कुछ बिंदुओं पर आपसे बात करेंगे आज, यानी पाठ्यक्रम पर हमारी चर्चा होगी और उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि आपको बताएंगे कि क्या इसमें है क्या नहीं है, इसकी हम चर्चा आपसे करेंगे। तो बेहतरी के लिए आप जो है इसको पहले देखिए, यानी हमारे सिलेबस में जो उन्होंने डिसाइड किया है, यानी पेट का सिलेबस जब हिंदी का देखेंगे तो जो डिसाइड हुआ है वो हुआ है, एक टॉपिक दिया गया है, संधि दिया गया है। ये संधि बेसिकली जब हम संधि की बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हुआ चलूंगा। जब हम संधि के बारे में चलेंगे, यानी पहले तो हम क्या करते हैं, आपको टोटल के टोटल टॉपिक बताते हैं। संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, लिंग है, श्रम श्रुत भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सामान्य शुद्धियां हैं, लेखक एवं रचनाएं हैं, अपठित गद्यांश है, ये आपके हैं। मैं आपको लास्ट बताऊंगा ये कितने नंबर के हैं, कैसे तैयारी किया जाए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन पहला जो टॉपिक है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि संधि क्या है। बेसिकली जब हम संधि की बात करते हैं तो हमारे मानस पटल पर यह आना चाहिए कि सीधा सीधा अगर हम संधि का नाम लिए तो पहली ही बात हमको आना चाहिए कि संधि मतलब क्या होता है, मिलन, यही तो होता है। आप संधि करते हैं, मिलन करते हैं, योग करते हैं या जोड़ करते हैं, यही तो करते हैं कि संधि करते हैं। अब जो है इस संधि को, चूंकि व्याकरण में यह संधि हुई, इस संधि को हमारे व्याकरणों ने 3 भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला जो विभाजन हुआ है वह स्वर संधि के रूप में हुआ है, स्वर संधि, ठीक है। इसके अतिरिक्त दूसरा जो विभाजन हुआ है, यानी यहां दूसरा जो विभाजन किए हैं वह व्यंजन संधि के रूप में किए हैं, व्यंजन संधि,
के रूप में हुआ है, और जो तीसरा विभाजन हुआ है वह विभाजन विसर्ग संधि के रूप में हुआ है, विसर्ग संधि इस रूप में हुआ है, विसर्ग संधि के रूप में हुआ, यानी तीन संधियों के बारे में हमारे व्याकरणों ने बात किया। हम आपको तीनों संधि के बारे में समान दृष्टि से पढ़ाएंगे, विस्तार करेंगे, इसमें क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको बताने का प्रयास करेंगे। स्वर संधि का भी विभाजन हो गया है, और स्वर संधि का जो विभाजन हुआ है वह पांच भागों में हुआ है। पहला जो विभाजन हुआ है वह क्या है, दीर्घ स्वर संधि होता है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। चलिए, दूसरा जो विभाजन होता है वह गुण स्वर संधि होता है, तीसरा विभाजन वृद्धि स्वर संधि होता है, वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि होता है, और पांचवा जो विभाजन होता है वह अयादि स्वर संधि होता है। यही आपको संधि में पढ़ने होते हैं और यही आपसे संधि में पूछा जाता है। इनके बारे में बाकी व्यंजन और विसर्ग का विभाजन नहीं हुआ है, लेकिन इसको हम नियमों के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो नियम के अंतर्गत हम लोग इसमें बात करेंगे और इसमें विभाजन को लेकर के हम बात करेंगे, अच्छी तरीके से बात किया जाएगा ताकि एक भी प्रश्न बाहर ना जाए, ऐसा प्रयास होगा। तो पहले टॉपिक से हम किस पर, बेसिकली संधि पर आपसे डिटेल बात करेंगे और इसके बारे में हम बताएंगे। चलिए, दूसरा टॉपिक होता है विलोम का होता है। विलोम यानी दूसरे टॉपिक में विलोम पर हम बात करेंगे। विलोम बेसिकली अगर आप देखेंगे तो विलोम ये विपरीतार्थक शब्द होते हैं, यानी विपरीत अर्थ देने वाले होते हैं। क्या किया जाए कि हमको विलोम याद तो करना पड़े, लेकिन बहुत ऐसे विलोम अपने आप निकल जाएं, यानी थोड़ा सा हम ये कैसे जाने, कैसे ये जानेंगे, हमको आता नहीं है कि विज्ञ का विलोम जो है वह अनभिज्ञ ही होगा, ठीक है। कैसे हम ये जानेंगे, हम ये कैसे जान जाएंगे, हम कैसे जानेंगे कि क्षर का विलोम जो होगा वह अक्षर ही होगा, कैसे हम जानेंगे। हम जो भी शब्द दिया गया है उन शब्दों में हम विलोम में ये देखेंगे कि न जानते हुए भी हम विलोम को निकाल लें। अगर ऐसा है तब तो अच्छी बात है, तो हम इस पर भी और विलोम के प्रकारों पर भी बात करेंगे कि विलोम के कौन कौन से प्रकार हैं। मुझे ये नहीं लगता है कि कोई विलोम का प्रकार आपको बताता होगा,
विलोम के प्रकार पर हम बात करेंगे, और विलोम के प्रकार को आपको जब मैं बताऊंगा तो आधी से अधिक बीमारी विलोम की समाप्त हो जाएगी। यानी जो बहुत सारे ऐसी शब्दावलियां हैं कि जो आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है, पढ़ना तो पड़ेगा, ये हम नहीं करेंगे पढ़ेंगे ही नहीं आ जाएगा, ऐसा अतिशयोक्ति नहीं होगा। और ये जेहन में कभी नहीं है, न मानस पर कभी आता है। तो ये जो है आपको एक बार देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ यहां से विलोम पूछा जा सकता है, और ये अगर नहीं आता है तो कैसे होगा और कैसे आ जाएगा। तो यानी इस पर भी हम बात आपसे डिटेल से करेंगे दूसरे टॉपिक पर भी। चलिए तीसरा जो टॉपिक है वो पर्यायवाची है। पर्यायवाची पर हम बात करेंगे तो हम चुनिंदा ऐसे शब्दों पर बात करेंगे। देखिए पर्यायवाची जो होता है, पर्याय मतलब होता है ना कि उसी के समानार्थक, यानी वही है, केवल वह शब्द न होकर के उसके स्थान पर दूसरा शब्द रख दिया गया है, ये यानी उसका पर्याय है। वह नहीं है तो वह है, काम वही करेगा, ये पर्याय है। वाची मतलब वचन, यानी जो इसके पर्याय को जब हम वचित करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने लिखा मछली लिखा, अब ऐसा हम ये चाहते हैं कि अपनी भाषा में चारुता लाना चाहते हैं, भाषा को साहित्यिक रूप देना चाहते हैं, अपने आप को और उत्कृष्ट स्तर पर उठाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, भिन्न भिन्न शब्दावलियां रखते हैं, और ऐसी शब्दावलियां रखते हैं जो आम जनमानस नहीं सुना होता है, जो सामान्यीकरण की हम बात नहीं करते हैं, हम विशेषीकरण की बात करते हैं। तो विशेषीकरण को लाने के लिए, अपनी भाषाओं को विशिष्ट बनाने के लिए हम प्रायः पर्यायवाची शब्दों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसी ने कहा मछली मारो, किसी ने कहा मीन मारो, और किसी ने कहा मत्स्य मारो, किसी ने कहा सफरी लाना है या सफरी मारो, और किसी ने कहा जल जीवन को लाना है, किसी ने कहा झस को लाना है। यहां तक तो बातें समझ में आ गई कि चलिए ठीक है, मार्केट से मत्स्य लाना है, आप कहिए मार्केट से सफरी लाना है, तो एक पहली बात तो कोई कहेगा कि सफरी क्या लाना है, सफरी क्या, तो सफरी लाना है तो यानी मछली लाना है, मार्केट से जल जीवन लाना है यानी जो बाजार है, बाजार से अच्छा जल जीवन लेकर के आइएगा, अच्छा झस लेकर के आइएगा, तो ये क्या है, बात एक ही है, सबके अर्थ मछली ही हुए, बस प्रयोगीकरण की बात होती है कि कहां कहां पर कौन सा शब्द हम प्रयोग करेंगे तो भाषा में उत्कृष्टता आ जाएगी, भाषा चमत्कृत हो जाएगी। अब ये नहीं जहां मर्जी वहीं पर प्रयोग कर दीजिए और भाषा उत्कृष्ट हो जाएगी, इसलिए ये सेंस होना चाहिए, प्रयोगीकरण यानी प्रयोग करने वाले का ये सेंस होना चाहिए। तो एक शब्द कोई शब्द है और उसका कोई पर्याय, उसी को हम पर्यायवाची कहते हैं। इसके बारे में भी हमारी क्या होगी, आपसे डिटेल चर्चा होगी। अगले हम आते हैं, यानी ये पर्यायवाची शब्द रहा। इसके अलावा हम किस पर बात करेंगे, आपसे लिंग पर बात करेंगे। बेसिकली अगर हम लिंग की देखते हैं,
लिंग, ठीक है। व्याकरण में जब तक हम पुरुष और स्त्री में विभाजित हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक तो लिंग जो है आपको समझ में आता है, चलिए ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, यानी लिंग को दो भागों में क्या हुआ, विभाजित किया गया, यानी दो प्रकार के लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग शब्द गलत है, जब भी आप लिखेंगे पुल्लिंग लिखेंगे, दूसरा होता है स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। यानी इसको हम पुरुष लिंग कहते हैं अगर हम व्याख्या करें, और इसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं, यानी कि इस पूरे जब तक हम लड़के की बात करते हैं, लड़की की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं, औरत की बात करते हैं, तब तो ये लिंग हमको समझ में आता है कि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। लेकिन जब हम किसी धातु की बात करते हैं, जब हम वृक्ष की बात करते हैं, जब हम निर्जीव शब्दों की बात करते हैं, वहां समस्या हो जाती है। आखिर हम ये पहचाने कैसे कि ये सिंदूर पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, धोती पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, दही पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, मोती पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, चांदी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, क्या है और है तो कैसे है, हम ये कैसे जानेंगे कि नाक हमारी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, कैसे हम ये जानेंगे जीभ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, कैसे पहचानेंगे। तो इस लिंग पर भी आपसे हमारी डिटेल बात होगी, पहचाना जाएगा, समझा जाएगा कि ये कैसे पुल्लिंग होगा और कैसे स्त्रीलिंग होगा, इसके भी कुछ नियमों पर हम बात करेंगे और आपसे समझाने का, आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। तो लिंग के बारे में यहां पर चर्चाएं होंगी आपसे हमारी। इसके अलावा हम अपने पांचवें टॉपिक पर, यानी श्रम श्रुत भिन्नार्थक शब्द है, यहां पर देखिए ये जो टॉपिक है सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे और बृहद रूप से चर्चा करेंगे। देखिए पहली बात आप जानिए, सम मतलब क्या होता है, समान, श्रुत मतलब होता है सुनना, ठीक। भिन्न मतलब होता है अलग, अर्थ मतलब होता है अर्थ, अशब्द मतलब शब्द। हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप लोग शब्द का जो टॉपिक है ना उसका विश्लेषण आप नहीं करते हैं, अगर उसको विश्लेषण अगर कर लिया जाए तो संभवतः बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। हम उसी पर श्रम श्रुत भिन्नार्थक में वही बात आपसे होती है, कहते हैं सम माने समान, सुनना, इसकी बात, इसका मतलब क्या हुआ,
जो सुनने में समान लगे, जो सुनने में समान लगे यानी एक लगे, यानी ऐसा शब्द यहां पर आएगा कि जो लगता तो है कि ये सुनने में समान है, इसमें जो बात होगी, लेकिन कह रहे हैं ये सुनने में ही समान लेकिन भिन्न अर्थक, वह क्या है, अर्थ अलग अलग रख रहा है। अर्थ क्या है, वह अलग अलग रख रहा है, यानी कि हम कोई ऐसा शब्द लिखते हैं जो सुनने में समान लगता है और लेकिन अर्थ के रूप में उसका जब हम वर्गीकरण करते हैं तो भिन्न अर्थ हो जाए, यानी भिन्न अर्थ वो देने वाला है। जैसे अगर मान लीजिए हमने यहां पर शब्द लिखा, शब्द हम लिखे पास लिखे, ठीक है, शब्द क्या लिखे पास, और शब्द लिखे पास, ये शब्द लिखे, ये क्या है, सुनने में समान लग रहा है, लग रहा है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि हां बातें कही है, लेकिन सुनने में समान है, इसमें हमेशा वर्णात्मक यानी वर्णगत, कभी कभी मात्रात्मक, ऐसे ही अंतर होते हैं। अब ये तो शब्द सुनने में समान, लेकिन ये कर इसका अर्थ क्या है, भिन्न है, अलग है। पास मतलब क्या होता है, निकट होता है, यानी आप जो है मेरे पास आइए, यानी मेरे निकट आइए, कैसे है, तुम मेरे पास यू बैठती रहो, है ऐसा ना, तो ये क्या है, पास मतलब क्या, निकट। पास मतलब क्या होता है, इस पास, ये जो तालव्य शो है ये दंत शो है, पास मतलब होता है बंधन होता है, ले फेंक रहा हूं ब्रह्म पाश, मेघनाथ कहता है, तो अब मैं ये ब्रह्म का बंधन तुम्हारे ऊपर फेंक रहा हूं, हनुमान जी को कहता है, और इसमें तो अब तुमको बधना ही बधना है। तो यानी यहां पर बात होगी पास पास। बहुत ऐसे सारे शब्द आते हैं, जैसे एक शब्द आपको मिलेगा तरण मिलेगा, ठीक है, और एक शब्द तरणी मिलेगा। अब तरणी तरणी अगर मैं तो मैं प्रोनाउंसिएशन अलग अलग कर दे रहा हूं, बहुत सारे लोग कहेंगे तरणी तरणी, तो तरण का मतलब होता है सूर्य, और तरणी मतलब क्या होता है, नाव होता है, ऐसा आपको मिलेगा। आपको शब्द मिलेंगे आधी मिलेगा और आधी मिलेगा, ये शब्द मिलेगा। आधी मतलब क्या होता है, एक घड़ी या धो घड़ी या धो में पुनिया, आधी यानी आधी मतलब आधा, लेकिन आधी मतलब क्या होता है, आधी मतलब होता है धूल भरी हवा, इसे यही तो कहते हैं आधी, आधी आई, आप ये नहीं कह सकते आधी आई, आधी नहीं आई, आधी आई, आधी आई मतलब धूल भरी हवा बहुत तेजी से चली, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। तो ये शब्द जो है ना सुनने में क्या है, समान लग रहे हैं, लेकिन अर्थ क्या लग रहे हैं, भिन्न लग रहे हैं, यानी भिन्न अर्थ जब दे रहे हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, श्रम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द आपसे कहते हैं। क्लियर, इस पर हम डिटेल बात करेंगे और आपको बताएंगे। चलिए अगले पर चलते हैं, यानी ये भी आपके क्या हो जाते हैं, कंप्लीट होते हैं।
इसके अतिरिक्त मुहावरे एवं लोकोक्तियों पर हम बात करेंगे, यानी हम मुहावरे पर बात करेंगे, लोकोक्ति पर बात करेंगे। मुहावरा क्या है, लोकोक्ति क्या है, यानी मुहावरा क्या है और लोकोक्ति क्या है। लोकोक्ति क्या है, कहावत क्या है, इस पर हम बात करेंगे आपसे। हम प्रायः मुहावरा ये कैसे हम ये जानेंगे कि ये मुहावरा है, कैसे हम ये जानेंगे कि यह लोकोक्ति है, क्या लोकोक्तियां और कहावतें एक ही होती हैं, ऐसा है? अगर है तो फिर इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हमको यहां पर हमारे सिलेबस में हिंदी में किन कारणों से लोकोक्तियों को रखा गया, क्यों मुहावराओं को रखा गया, यानी यहां प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों रखा गया, कारण क्या है रखने के पीछे, मंतव्य क्या है, इन मंतव्यों को जानते हुए, इनके अंतर को पहचानते हुए हम बात करेंगे। हम अविधा और लक्षणा व्यंजना की बात करेंगे कि अविधा लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति जो होती है ये क्या है, इस पर भी आपसे यहीं पर चर्चा हम कर लेंगे कि आखिर ये जो बातें हो रही हैं ये किसमें हो रही हैं, यह किस शब्द शक्ति के अंतर्गत आ रहा है, ये अविधा है या लक्षणा है या व्यंजना है, क्या है अविधा है या लक्षणा है या व्यंजना है, ये क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे और समझेंगे, पूरी की पूरी बातों को समझेंगे। प्रयास किया जाएगा कि आपको पूरा समझा दिया जाए ताकि इसके अर्थ को निकालने में आपको कोई समस्या ना हो। पुनः मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, क्लास में जो मेरे क्लास में लेता हूं उसमें कहता हूं, हां ये याद करने की विषय वस्तु है लेकिन इसके अलावा समझने की भी विषय वस्तु है। अगर बातें समझ लेंगे तो याद करना आसान हो जाता है, और जब तक आप समझते नहीं हैं तब तक वह क्लिष्ट बना हुआ रहता है। तो यानी हम किस पर, इन मुहावराओं पर भी बात करेंगे, लोकोक्तियों पर भी बात करेंगे। चलिए यहां पर ये भी आपके हो गए। वाक्यांश के लिए एक शब्द, हम वाक्यांश के लिए एक शब्द, मैं कहूं कि यह वाक्यांश के लिए एक शब्द रखने के पीछे जो हमारा मंतव्य है वह यह है कि शब्द भंडार का हमारे अंदर विकास हो, हमारी भाषा में शब्द भंडार ज्यादा से ज्यादा हो, अर्थ ज्यादा से ज्यादा है। जो भाषा जितनी उत्कृष्ट होती है उस भाषा में शब्दावली भी उतनी ही उत्कृष्ट होती है। अगर किसी भाषा में शब्दावली नहीं है तो भाषा उतनी उत्कृष्ट नहीं मानी जाती है। इसलिए
भाषा को उत्कृष्ट बनाने के लिए भिन्न भिन्न शब्दावलियों और शब्द समाहित शब्दावलियों की आवश्यकता होती है। अगर आप जब भी बोलते हैं उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि जो एक शब्द बोलें तो एक ही शब्द ना हो, उसको कई शब्दों को वो समाहित किए हुए हो, तो आपको वो उतना बातें बोलने से पहली बात तो बचेंगे, लिखने से बचेंगे, दूसरी बात आपकी उन्नतता क्या होगी, अधिक होगी, आपकी गरिमा, आपका लाघव, आत्मश्लाघा अधिक होगा। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे से आपको कहना है कि जाकर बाजार से हवन के सामग्री लाओ, इतना, और जा ये सीधा कह दिए जाकर बाजार से समिधा लाओ। अब पहली बात तो आप क्या है, भाषिक रूप से क्या उन्नत हो रहे हैं, भाषिक रूप से आप विशिष्ट भी हो रहे हैं। शब्द शक्ति, ज्यादा शब्द बोलने के अलावा कम शब्दों में ही अधिक बात कह दे रहे हैं। ये एक कला होती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द की कला होती है, तो इसको भी जानना आवश्यक होता है और इसको भी पहचानना आवश्यक होता है। तो आपको इस पर भी हम बात करेंगे, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द पर भी हम बात करेंगे। इसके अतिरिक्त हम सामान्य अशुद्धियों पर बात करेंगे। देखिए, बेसिकली अगर हम अशुद्धियों की बात करते हैं तो इसमें आपको इन अशुद्धियों में तमाम प्रकार की अशुद्धियां आती हैं। उन अशुद्धियों में जो बेसिकली आती हैं वह वर्णगत अशुद्धियां आती हैं, वर्णगत और मात्रागत। ये दो प्रकार की आपको प्रायः अशुद्धियां होती हैं और इसके अतिरिक्त कभी कभी वाक्यगत अशुद्धियां हो जाती हैं, और इसमें तमाम प्रकार की जो है वह अशुद्धियों का जिक्र होता है। तो इन अशुद्धियों पर आपसे हम पूछेंगे, आपसे हम बात करेंगे और आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि यह अशुद्धियां आपको आ जाए। अगर शब्द संबंधी अशुद्धियां आप जान गए तो कभी अशुद्धियां आपकी गलत नहीं होती है, और इन अशुद्धियों पर मुझे लगता है कि जितना मैं पढ़ाता हूं तो संभवतः उतना सफिशियंट होता है, उससे कभी बाहर नहीं आता है। लेकिन फिर भी मैं बार बार कहता हूं, मैं भगवान नहीं हूं, इंसान हूं, एकाध क्वेश्चंस की गारंटी मैं कभी नहीं लेता हूं, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है, लेकिन पूर्णतः प्रयास होता है कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ, मेरे द्वारा दिया हुआ जो भी नोट्स है उससे बाहर आपसे न पूछा जाए, और ऐसा होता चला आया है विगत की जो परीक्षाएं हैं, ऐसा होता चला आया है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें ये सामान्य शुद्धियों के बारे में, हम लोग चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे। इसके अतिरिक्त हम लेखक एवं रचनाओं की बात करेंगे, यानी हम जो बात करेंगे वह लेखक के बारे में बात करेंगे और इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक, यानी जो कुछ लेखक हैं, देखिए बेसिकली जो है हिंदी साहित्य में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, आधुनिक काल, यहां से बेसिकली केवल दो लोगों का ही पूछा जाएगा, अगर कभी पूछा जाता है तो।
बेसिकली, नहीं तो कभी कभी तीन हो जाएगा, मैं इस पर चर्चा करूंगा। भक्ति काल से अगर पूछा जाएगा तो तीन चार लोगों से आपसे पूछा जाएगा, यानी इनकी रचनाओं को पूछा जाएगा। रीति काल से एक या दो लोगों से पूछा जाएगा, और आधुनिक काल से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी लेखक की बात होती है और रचनाओं की बात होती है वह आधुनिक काल से ही आपसे पूछे जाते हैं। तो आधुनिक काल की कुछ प्रमुख रचनाओं को क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे और इसको देखेंगे। तो आधुनिक काल की जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं पर, चाहे वो रचनाएं भारतेंदु युग की हों या द्विवेदी युग की हों या छायावाद या प्रगतिवाद प्रयोगवाद ईटीसी की रचनाएं हों, उन प्रमुख रचनाओं को जो पूछे जाने की संभावना है उस पर हम बात करेंगे। चूंकि, और इस पर हम डिटेल बात करेंगे, मैं यहां पर इस क्लास में पूरी रचनाओं को मैं रिटेन करूंगा, लिखूंगा बताऊंगा। पहले यहां क्लास में उन रचनाओं को मैं लिखूंगा बताऊंगा, उसके बाद मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप ये जानते रहें कि ये रचनाएं पूछी जा सकती हैं, ये रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। यानी यहां पर आपसे बृहद बात होगी, संक्षिप्त में नहीं होगी, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके उठ सकते हैं, इस पर बात होगी। यानी यहां पूरी की पूरी लेखक और रचनाओं के बारे में क्या होगी, बातें होंगी। चलिए इसके अतिरिक्त देखा जाए क्या है, यानी ये लेखक हैं और रचनाएं हैं। इतने जो टॉपिक हैं अभी तक मैंने जो बताया, यानी नौ टॉपिक, निराश यहां तब करता है जब इतने टॉपिक को ये पांच नंबर में समेटा हुआ है। लेकिन आशा तब जगती है कि कम से कम इतना ही दिया, ये तो सुखद है कि इन्होंने दे दिया कि मैं इतने टॉपिक से ही पांच पूछूंगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं वहां तो समझे में नहीं आता, पूरा का पूरा रख दिया गया। यही केवल लिख दिया होता कि केवल हिंदी से क्वेश्चन पांच नंबर के होंगे, आप पूरा पढ़िए, पूरा का पूरा हिंदी पढ़िए और पूरा पढ़िए, आप पढ़ते रहिए, कोई आपको समझ में नहीं आएगा कहां से आएगा कहां से नहीं आएगा। तो ये बेटर हुआ कि आपको ये टॉपिक इन्होंने घोषित कर दिया और यहां से पूछा जाएगा, तो निश्चित तौर पर यहां से अचीवमेंट किया जाएगा, यहां से बात होगी। आपको ये पांच नंबर, इसके अतिरिक्त आप जब सिलेबस देखेंगे तो ये नीचे, उसके पहले ये दिए हैं उसके बाद नीचे दिए हैं, जो अपठित गद्यांश का टॉपिक है। अपठित गद्यांश में ये 10 अंक के रहेंगे, ठीक है, 10 अंक के रहेंगे। अब यहां पर 10 अंक में इसको दो अपठित गद्यांश रहेंगे, यानी एक और दो। पहला भी ये 5 अंक का रहेगा और दूसरा भी 5 अंक का रहेगा।
यानी ये पांच पांच अंक की एक एक गद्यांश आपको रहेंगे। तो इनको क्या किया जाएगा, देखा जाएगा, इनके बारे में हम क्या करेंगे, आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे और यहां से एक बातें आपको क्लियर करेंगे कि गद्यांश पहली चीज है, नाम ही क्या है, अपठित। पठित मतलब होता है पढ़ा हुआ, पढ़ा गया, अ मतलब नहीं, यानी जो पढ़ा गया नहीं हो, यानी जो आपका पढ़ा हुआ नहीं हो। तो यहां से ऐसा टॉपिक, यहां से ऐसे गद्यांश लिए जाएंगे जो पढ़े हुए नहीं होंगे, वो आपसे पूछे जाएंगे, यानी अपठित है, पढ़ा गया नहीं है। और ये जो अपठित होता है जीवन के किसी भी क्षेत्र से उठा लेते हैं, वर्तमान जनजीवन पर उठा लेंगे, हो सकता है कोरोना पर ही उठा लें, सामाजिक परिवेश से कुछ उठा लें, नैतिक मूल्यों पर कुछ उठा लें, भ्रष्टाचार पर कुछ उठा लें, आतंकवाद पर कुछ उठा लें, हमारा जीवन किधर जा रहा है उस पर उठा लें, पारिवारिक विखंडन हो रहा है उस पर उठा लें, संयुक्त परिवार का खंडित होना, संयुक्त परिवार को उठा लें, भाई भाव, भाई भाई का जो अलगाव वर्तमान में हो रहा है उसको उठा लें, भाई भाई का प्रेम भी उठा लें। तमाम बिंदु हैं, सामाजिक क्षेत्रों से, कुछ आर्थिक क्षेत्रों से, राजनीतिक क्षेत्रों से, सांस्कृतिक क्षेत्रों से, शैक्षिक क्षेत्रों से, किसी भी क्षेत्र से उठा सकते हैं और उठा करके आपको क्या करेंगे, वो दे देंगे। और आपको यहां से वो इस सब एक अपठित गद्यांश देंगे, यानी ऊपर गद्यांश रहेगा और उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस आपके रहेंगे और उन क्वेश्चंस के या आपको उत्तर देने हैं, यानी चार विकल्प रहेंगे, आपको सटीक उत्तर देना है। तो यहां से मैं सीधा सीधा आपको बताता हूं कि यहां से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां से तो आप चुटकी में सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप यहां से क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, यानी 10 अंक के प्रश्नों में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान अगर दे दिए या तो पुनः ये अपठित गद्यांश आपका ऐसा लगेगा ये पठित गद्यांश है, यानी पढ़ा हुआ गद्यांश है, यानी इतनी ये जो हमारे क्या हैं टॉपिक डिसाइड किए गए हैं, सिलेबस में ये टॉपिक दिए गए हैं। अगर हम टोटल की बात करते हैं तो मैंने कहा कि हिंदी में 15 अंक के पूछे जाएंगे, हिंदी 15 अंक का होगा, 15 अंक का, जिसमें क्या होगा, 5 अंक आपका व्याकरण पोर्शन से रहेगा जो मैंने बताया, और दूसरा 10 अंक जो रहेगा वह गद्यांश से रहेगा, और ये भी गद्यांश कैसा होगा, अपठित गद्यांश होगा, इससे रहेगा। तो हमको और आपको ये तय करना है, यह सुनिश्चित करना है। देखिए, हमेशा अवसर नहीं आते हैं, मैंने कहा कि मैं पहली पंक्ति पर शुरू में जाता हूं, बहारों फूल बरसाओं मेरा महबूब आया है, आया है तो फूल बरसा लो,
नहीं तो फूल बरसाने का अवसर मिले या ना मिले ये कोई नहीं जानता है। अभी गवर्नमेंट की मजबूरियां हैं, इस मजबूरियों का आपको लाभ उठाना है। मजबूरियां हैं कि चुनाव है, उनको किसी भी कीमत पर उनको करना ही करना है, चाहे वो कुछ भी करें, चाहे वो कोरोना कई लहर लावे तभी भी वो करवाएंगे। वो जिस हिसाब से कुछ करवाएंगे, जाते जाते इनको करवाना है। अब अलग बात है गवर्नमेंट बनेगी नहीं बनेगी, ये अलग बिंदु है, वो राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दों से। हां, इन राजनीतिक मुद्दों में हमारा हित क्या है ये मुझे देखना है। तो हमारा हित क्या है? हमारा हित ये है कि पेट को अच्छी तरीके से पढ़ लें, पेट को अच्छी तरीके से जान लें कि ये क्या है, इसमें क्या पूछेगा, और एग्जाम क्वालिफाई कर लें। यही हमारा हित है, ताकि हमको जो है हमको बहुत बड़ा, मुझे अंबानी नहीं बनना है, मुझे अन्य जो भी हैं अडानी और किरानी मिरानी जो भी हैं वो बनना नहीं है। ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं कि इस नौकरी से नहीं बन सकते हैं, लेकिन हमारा सामाजिक स्तर उन्नत होना चाहिए, हमारा आर्थिक रूप से हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम कला पक्ष से थोड़े से मजबूत होने चाहिए, अपने और अपने परिवार को ले चलने की शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए। मानव जीवन अगर मिला है तो मानव तन पाने को देवता तरसते हैं, अगर ये मानव जीवन मिला है, मानव तन मिला है, तो उसके भी कुछ आपके नैतिक कर्तव्य हैं, इन कर्तव्यों का आपको निर्वहन करना है, इससे मुख नहीं मोड़ना है। इसलिए आप लोग बिना सोचे हुए तन मन धन लगा करके तैयारी करिए, और उस तैयारी में हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ कदम से कदम मिला करके हम चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी मुलाकात होगी, आज के लिए बस इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद कि आप लोग एकदम प्रसन्न रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, और आप हंसते मुस्कुराते हुए रहें। धन्यवाद। जय हिंद।